अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। हम भी सब ठीक ठाक खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। आज जो है ना वो सोलवा रोज़ा स्टार्ट हो चुका है। जितने सारा दिन इंसान डल होता है ना, जब ब्लॉग स्टार्ट होता है इतनी एनर्जी से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उतना पावरफुल तरीके से बोलूँ, आवाज़ निकालूँ। सारा दिन जो है ना आवाज़ नहीं निकलती। तो पीछे आपको मामा लेटी हुई नज़र आ रही होंगी, क्योंकि मामा ने मुझे अभी जो है ना वो सब्ज़ी वगैरह सब कुछ कट करके दिया है। पकौड़ों का सामान, जितना भी कटिंग का सामान होता है ना रमज़ान में, वो सारा कुछ अम्मी करके देती हैं। कभी कभी हंडिया भी बना देती हैं, ये भी जो है ना वो एक मुझे दे देती हैं रिलीफ थोड़ा सा। लेकिन ये है कि जब ज़्यादा थक जाए तो फिर मैं खुद ही कहती हूँ कि मामा चले रहने दे। तो बस जो है ना अभी मामा ने मुझे गोभी वगैरह सब कुछ काट के दिया। आज हमने गोभी और चिकन बनाना है। और जो है ना बस शाम का टाइम है, टाइम तकरीबन 4 बज गई हैं। शाम के टाइम लोग स्टार्ट हुआ है, तो शराब अभी उठा है, सामान लेने गया है। लड़कों का क्या काम है, उठे तो बस चले जी नमाज़। कोई छोटी छोटी नमाज़ें जो होती हैं ज़ोहर की और मगरिब की पढ़ ली। अब ये कहेंगे सब ऐसे नहीं होते। शराज जो है ना थोड़ी सी काम जोड़ी कर देता है। सुबह के टाइम भी अम्मी कह गया कि शराज नमाज नमाज नमाज, फिर जाके पढ़ता है। तो बस व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आगे आगे आप सारा व्लॉग देखेंगे। व्लॉग कल से बना हुआ है, तो बस जो है ना मैंने कहा मैं खाना बनाऊँ और व्लॉग स्टार्ट करूँ। इधर की भी बत्ती हो ना, बिल बड़ा आता है, फिर भी बत्तियाँ चला देने की शर्म भाई आपको है कि नहीं है? बिल किसने देना है? अबू ने लेट के जो है ना वो रील्स देख रही है। रोज में रील्स देखना जो है ना गुनाह मिलता है। कुछ नहीं होता फ्री में बैठ के, फ्री में बैठ के तो बस स्क्रॉलिंग करते रहे। कुछ भी नहीं होता है मामा के। नहीं होता, नहीं होता है, मामा बोल रहे नहीं होता, नहीं होता। ये डांस की रील्स देखते हैं आप, बताएं कमेंट में होता है कि नहीं होता। आती है इंस्टाग्राम पे ऐसी रील्स, और क्या आता है? डांस में तो नहीं, मैं तो देखूंगी डांस की रील्स की नजर आ। नहीं, तुम तो मौलवी साहब की देख रही हो ना? मैंने बहुत से बोल रही हूं। सवेरे जेड़ा तो साना कितना है ना थ्रो। आप ही, मैं 3 बजे उठूंगी, आप ही मैं ऐसे करूंगी जी। यहां पे बन रहा है जी गोभी और चिकन। और जैसे लहसुन अदरक के साथ चिकन को फ्राई करते हैं, अभी बस मैं फ्राई कर रही हूँ। गोभी को जो है ना मैंने हल्का सा बॉईल किया है, क्योंकि हम जब भी गोभी बनाते हैं ना इसको हल्का सा बॉईल करते हैं। ऐसे आपको पता है गोभी जो है ना बादी होती है, तो उसकी जो वो एक चीज़ होती है ना बादी वाला सिस्टम, जिन्होंने पंजाबी चापा बादी की जिसमें उर्दू से लगी हैं, वो ख़त्म हो जाता है। तो बस जो है ना टमाटरों के साथ और जो थोड़े से गर्म मसाले होते हैं उनके साथ चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करते हैं और उसमें मसाले डालते हैं। बस की पे कितने चावल पे थोड़े से बॉयल राइस हमने रात को बनाए थे, तो वो बचे हुए हैं। कल हमने दाल चावल बनाए थे। अम्मी मुझसे पूछ रही हैं कितने पड़े हैं, कि आज भी साढ़े काम आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आएंगे? अच्छे तरीके से चले नहीं, इसकी बुनाई कर ली है माशाल्लाह से, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही। रोज़ेदार जो होता है ना कुकिंग कर रहा होता है, वो तो उनकी पागल हो रहा होता है। क्यों हो रहा है? अच्छा, ये अच्छे तरीके से बुनाई कर ली, बस इसमें गोभी डालते हैं अपनी नहीं। चलिए जी, गोभी हमने डाल दी थी इसके अंदर। अब जो है ना थोड़ा टाइम लगेगा, ये पक जाएगा मसाले के अंदर। वो मैंने आगे थोड़ा सा व्लॉग बनाया है। इसकी जो गार्निशिंग की चीज़ें हैं ना, वो है जी अदरक है, जूलियन कट में लिया है, और है जी कोरिएंडर फ्रेश, बिल्कुल मामा लेके आई। और फातिमा ने आज सुबह सुबह मेरी बहन ने मशीन लगाई थी, कपड़े सारे धोए हैं। चपड़ी नहीं, मैंने कहा, कपड़े सारे धोए हैं। देखा वो कितना अच्छा हूँ फिर। बहुत अच्छा है। और कुछ ये पड़े हुए हैं, और खाना जाना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है। इतना अच्छा हूँ मैं, अकेला घर संभाल सकता हूँ। ठीक है हम, तू की कहना चाह रही है सन? संभाल सकता था, हमें पता चल गई है। ठीक है, मौसम जो है ना आज कुछ बादल से बने हुए हैं, बड़ा प्यारा सा हुआ है। चलें जी, हर मैंने अपने इसके ऊपर सारी जितनी भी गार्निशिंग की चीज़ें थी, जगह धनिया और अदरक जो है ना वो अपने डाल दिया। हमेशा ऐसे ही करती, मैं जब कैमरा ले गया तो फिर उन्हें हिलाना होता, पहले क्यों नहीं हिलाया? तेरा भी तो इंतजार करना जी। इस लड़की का जो स्टार्स होते हैं ना वो लेट ही आते हैं, गायब हो जाए पढ़ाई करने वाला स्टार्स। खुले आम बिजली बर्दाश्त नहीं करूँगा। हम अपने स्टार से सफाई करवाते हैं। कोई बात नहीं, सफाई ने सामान कवर अप कर देते। शराज भाई पप्पा क्या बात कर रहे हैं, बाहर जितने मांगने वाले आते हैं ना उनको कहते रहता है, सबको ऑर्डर उसने पकड़ लिया कि 25 तरीक ने तुम आना, तुम सारे ने पैसे देने ने। हुन कह रहे हैं इन्ने पैसे हो गए, इन्ना ने देना। इसके अंदर मैं बता रही थी, इसमें मैंने रोटी ना खाना, तू गुल्लू मुल्लू कर देना मिक्स करके खिचड़ी पकाती। मेरे गाली बच्चे कम्प्लीट छट दी। इसमें मैंने कहा फ्रूट ये सालन और बेक, उसमें ना बोल में दही भले डालेंगे, इधर देखना। और पकोड़े बन रहे हैं, और पकोड़े बन रहे हैं अभी, ये डाइट भी आई लड़का। और मुझे कह रहा था मेरा जब टैंग बनाओगे ना उसमें चीनी ना डालना, बस वैसे ही टैंग डालेंगे। क्या बात, अजय और मेहनत करो, अभी और मेहनत की जरूरत है। फिर मैंने अभी के साथ मैंने प्रैंक किया, प्रैंक नहीं मैं मजाक कर रही हूँ ना। मैंने उसको बोला था
कि सारा टाइम मुझे उठाना, सारी मैं बनाऊंगी, तो मैं आज पराठा मैं बना के खिलाऊँ। 4 बजे मेरी एक खुली, मैं ना पिया पराठे बना रही कहनी, मैंने तो यकीन नहीं आएगा सारी, मैंने टाइम तो लगेगी। टाइम तो 3:30 बजे मैं उठा रही, फार्म में उठ जाओ, उठ जाओ, ये रख के फार्म में मैडम हेली नहीं रही, इतनी सुगड़ उसने पराठा बना लिया, चाय भी रख ली, मेरे हाथ में चोट लग गई है। तू तेरे से चोट लगती रहती इधर। आखिरकार मैं क्या आती, आखिरकार ने क्या, आप ही उठो। सैरी हो रही है इस टाइम, हैंड फ्री नहीं लगाते, मैं उठाती हूँ उसकी। हम्म, गोभी वाले पराठे बने हैं आज, खा के बताओ कैसा बना। सही नहीं बने। कोई नहीं, क्या मैं केड़ा, मैं बनाया। चल लग गई हूँ, हाँ डाला वो सब कुछ। आ गए हो जो? नहीं। आ गए हो? उठो ना, बोलो। अगे हो, चल तू पंजाबी ची सही है, कह रहे उठ दो ना, बोलो। मैं नहीं अगे हूँ। ये है वो धोखेबाज लोग जिन्होंने सारी रात को प्लानिंग की थी जी, सवेर में उठ के तो मैं ही सारी बनानी। मैं उठी थी 3:15 बजे, मैंने कहा था मैं बना दूंगी, लेकिन उठी थी इसको मैं 3:15 से जगा रही हूँ। फानमा उठ जाओ, उठ जाओ, तुमने बनानी, उठ जाओ। फानमा हिलने का नाम नहीं ले रही, तब बहुत ज्यादा जल्दी टाइम था। फानमा ने कहा बहन ने उठ के खुद ही फटाफट लग जाना है। कोई बात नहीं, आपने बना ली, मैंने बना ली, एक ही बात। हाँ बस सुन लिया, तू बना ला, सुन लिया, बस मैं भी अब जो है ना वो सारी करूंगी। ये क्या दही के ऊपर गिराया हुआ है, साथ में गोभी वाला पराठा अपना है, साथ में आज एग्स नहीं बने क्योंकि 2 दिन हो गए हैं, गर्मी काफ़ी हो रही है, इस वजह से जो है ना आज अंडे नहीं बने। चलें जी बस अब सैरी करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। क्या कहना चाह रही हो? तेनु किसी और चीज़ की कमी हो रही, मैं आ रही हूँ अब तो। स्ट्रगल, हम अपने आप के साथ स्ट्रगल कर कर के ये बातें कर कर के, गर्मी इतनी जल्दी आ गई, हमने सोचा नहीं था गर्मी ऐसी आएगी, ऐसी आएगी। और बारिश, अल्लाह ताला ने कहा ये लो रोज़ेदार, मैंने तुम लोगों के लिए बारिश भेज दी। ये देखें बारिश तेज़ स्टार्ट हो चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता और तेज़ हो जाएगी। अच्छी बात है, अम्मी बाहर से सब्ज़ी ले रही, अम्मी बाहर से खीरे लेने के लिए गई हुई है, और सब्ज़ी तो मैंने अब देखा कि मामा ने ले ली है, मेथी ली हुई है, मेथी बनेगी आज। और ये पकौड़ों का सामान भी मामा ने निकाल के रख लिया, जो कि सुबह सुबह अम्मियों को आदत होती है कि जी हमारे बच्चों के रोजे हैं तो हम जो है ना वो सुबह सुबह से सारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। आपने कभी सोचा था हमें इतनी अच्छी बहन मिलेगी? नहीं, चुड़ैल मिलेगी यही सोच। अभी मैं चुड़ैल हूँ? नहीं, तुम बहुत बड़ी चुड़ैल, छोटी नहीं बड़ी वाली चुड़ैल। इतनी अच्छी बहन के लिए लोग तरसते हैं, यू आर वेरी लकी। अनफॉर्चुनेटली मैं लकी। इतनी लकी है तो मैं अपनी लकी होने पे कोई चीज़ बांटनी चाहिए। मैं वंडा की जड़ियाँ पेरियाँ चार टाफियाँ आज तक मेरे लैसी ने शुक्री बहन भी होती। मैं ग्राम तक पढ़ी, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही? डिस्टर्ब थोड़ी कर रही, मैं तो हमसे बातें कर रही, इंटरटेन करने की कोशिश कर रही, मैं बोर हो रही हूँ, मुझे इंटरटेन करो। तेनों क्वालिटी डांस करके चलो फातिमा रोटियां बनाते हुए, मैंने रोटियां नहीं आज बनाई, मैंने कहा चलो खिदमत करो बहन की, सुबह सारे टाइम जो धोखा देना है ना तुमने, नहीं नहीं वो नहीं कहना। फातिमा रोटियां बना रही हैं, सालन बन गया, ये मेरी सास है, ये मुझे जज करती है, तो मैं सुक्कड़ सुक्कड़ बहू हूँ कह रही, मैं सुक्कड़ नहीं सुक्कड़ सुक्कड़ कह रही है। चले जी हमारी चाय जो है ना वो बन रही है, अपनी सरदर्दी का इलाज खुद ही किया है कि अब क्या बार बार कहूँ फातिमा चाय बना लो आगे, फातिमा ने जो है ना रोटियाँ बनाई हैं, तो इंशाल्लाह परसों फिर अच्छे से लोगों के साथ। बात नहीं, मैंने बना भी दी थी, ऐसे कह रही है ना, पता नहीं पहनने की नहीं बना रही, मैंने इसको बोला था अंदर लेटी थी, मैंने कहा फातिमा मुझे चाय बना दो, मुझे पंजाबी में कहती तुम मैंने सुकून लैन देना, तुम मेरे टांग दो, मैं मैं खुद ही उठ के बता लेती, मैं उठी मैंने 1 सेकंड में चाय बनाई, अब इसको भी दूंगी, और बाकी सब नमाज पढ़ के अंदर खाना शाना खा रहे हैं, मतलब मामा पापा मैं फातिमा हम बाहर हैं, बाकी सब मतलब हम जितने लोग हैं फैमिली मेंबर, इस टाइम आपको पता है 4 लोग घर पे होते हैं, तो फातिमा जो ना ब्लॉग, वैसे भी हम बस 5 ही हैं, ब्लॉग देख रही है फातिमा, तो इंशाल्लाह परसों अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर तो जाते जाते कर दें, और क्या, और बस अब रेस्ट होगी, आंखें ऐसे लग रहे हैं सोई नहीं, सारा दिन सुते मरे रहने, फिर भी इंज लग रहे हैं सोने ही नहीं है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।